हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल जय महादेव विद्या कुल पर। और हम लोग जो क्लास 12th की फिजिक्स का सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, आवाज आ रही भाई? बढ़िया तरीके से आवाज आ रही। ठीक है, चलो। तो क्लास 12th फिजिक्स का जो सेकंड पेपर में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र, उसमें हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके एक फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे, जब हम हवा के माध्यम से जल के माध्यम में देखते हैं तो कोई वस्तु हमें कहाँ दिखाई देगी। दूसरा हम पढ़ेंगे, अगर हम जल के अंदर घुस करके हवा के माध्यम को देखें तो वस्तु हमें कहाँ दिखाई देगी। तो आभासी गहराई के कॉन्सेप्ट को आज हम समझना है और बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। सभी लोग कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। हमेशा कहते हैं जो अपने से बनाई नोट्स होती है दुनिया की सबसे सुंदर नोट्स होती है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए सभी लोग अच्छे से तैयार हो जाओ। चलो, तो आज पहली हेडिंग आप लोग लगाओगे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखने पर। पहली हेडिंग है विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखने पर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखने पर ठीक है, किसी वस्तु की आभासी गहराई। ठीक है, ये क्या पढ़ने हम लोग जा रहे हैं? विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखने पर किसी वस्तु की आभासी गहराई। मामला भैया कुछ ऐसा है कि आज हमें क्या करना है कि मान लो ये कहीं पर हवा का माध्यम है, यहां पर क्या एयर है, ठीक, यहां पर मान लो पानी भरा है, जल भरा है, वाटर है। ठीक, पहले पानी भर देते हैं। ये क्या भर रहे हैं भाई? पानी भर रहे हैं। ठीक है, ये क्या भर रहे हैं बच्चा? पानी भर रहे हैं, पानी। ठीक है, भरो जल्दी, भरो सर, जल्दी। तुम लोग भी भरो पानी, एक बाल्टी पानी लाके अपने गांव पे मुंह डाल दो। ठीक है, ये पानी भर। ठीक, मान लो इस पानी में एच गहराई पर, कितनी गहराई पर? एच गहराई पर, यहां पर एक बिंदु एफ है, यहां पर मान लो एक मछली है। मछली वैसे बना दें सुंदर लग जाए तो ठीक है, ठीक, माना मछली है, ठीक, लग रही थोड़ी सी फील आनी चाहिए, बस हो गया कि मछली है। ठीक है, और यहां से मान लो कोई चिड़िया है या हम ही खड़े हैं और हमें यह मछली देखनी है। देखो भाई, किसी वस्तु को देखने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये मार्कर हमें क्यों दिख रहा पता है? क्योंकि इस मार्कर से प्रकाश की किरण चल करके हमारे आंख के नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। क्या हो रहा, पूरी कहानी समझो। मार्कर मैं कैसे देख पा रहा हूं कि इससे चलकर प्रकाश किरण नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना पर किरण बनाती है, जिसका सिग्नल हमारे छोटे दिमाग पे जाता है और ये वस्तु हमें दिखाई देती है। ये जल में मछली हमें कब दिखेगी? जब मछली से चलने वाली प्रकाश किरण हमारी आंखों के नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगी, तब जाके हमें मछली दिखेगी। ठीक है, तो मछली हमें कब दिखेगी, ये समझ गए? अब देखो क्या होगा, मान लेते हैं मछली की गहराई जो है, वास्तविक गहराई जो है वो स्मॉल एच है। कितनी है? स्मॉल एच। आराम समझना। अब देखो, मछली से चलने वाली ये प्रकाश किरण गई, ये प्रकाश किरण, ठीक है। अब ये प्रकाश किरण बताओ बच्चे कहां जा रही है? ये प्रकाश किरण पानी के सघन माध्यम से हवा के विरल माध्यम में जा रही है। कहां जा रही है भैया? पानी के सघन माध्यम से हवा के विरल माध्यम। तो जब कोई किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है? अपने वास्तविक मार्ग के सापेक्ष अविलंब से दूर हटती है। सही रास्ता यह है, दूर हटेगी, इधर की ओर चली गई। यहां पर बना ये वाला कोण होगा आपतन कोण स्मॉल आई, और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना ये वाला कोण होगा स्मॉल आर। आई बात समझ? अच्छा, कोई वस्तु दिखाई कब देती है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कब बनता है?
पहले इसकी एक चीज मैं यहां पे बताना तुम्हें भूल गया, प्रतिबिंब क्या होता है, जिसको हम इमेज बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। देखो प्रकाश की कोई भी घटना हो, वो चाहे अपवर्तन की हो चाहे परावर्तन की हो, कम से कम दो प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर जो चमक उत्पन्न होती है, उस बिंदु पर जो परछाई बनती है, उसी परछाई को, उसी प्रतिबिंब, उसी चमक को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। नई बात मेरी समझें, जैसे रोज सुबह स्कूल जाने के पहले तो अपने घर के सुंदर से शीशे के सामने खड़े होते हो अपनी बस्तूर सी शकल लेकर के ना, ये आप खड़े हो गए। जब आप खड़े हुए तो क्या हुआ, आपसे प्रकाश किरणें जाकर के इस शीशे से टकराती। अब भैया शीशा में एक फिनोमिना होता है परावर्तन का, लाइट का एक फिनोमिना है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। शीशा इस प्रकाश किरण को इधर भेज देता है, इस वाली प्रकाश किरण को इधर भेज देता है। आगे जब हम इन किरणों को लेके जाते हैं, आगे जब हम लेकर जाते हैं तो पता चला एक पाकिस्तान चली गई, एक अफगानिस्तान चली गई, पर दोनों एक दूसरे को काटी नहीं। क्या होता है, काटी नहीं, ठीक है, आवाज आ रही है। तो फिर क्या करते हैं, हम इनको पीछे बढ़ाते हैं, इसका कान पकड़ा इसको पीछे बढ़ाया, इसका कान पकड़ा इसको पीछे बढ़ाया। जब दोनों कान पकड़ के पीछे बढ़ाया तो यहां पर देखा कि हमारे जैसा ही एक व्यक्ति और खड़ा हो गया, जैसे हम कर रहे थे वैसे व्यक्ति कर रहा था, हम इसको मुंह दिखा रहे थे, हमें मुंह दिखा रहा था। आई बात समझ में? तो ये जो घटना हुई है ना बच्चा, ये जो चमक बनी ना, इसको प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझे? देखो बच्चे, ये है बिंब, इसको क्या कहेंगे, बिंब कहेंगे, और ये बिंब का जो बना हुआ है इसको कहेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक होता वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता आभासी प्रतिबिंब। लेकिन प्रतिबिंब क्या है पहले ये समझ लो, समझ लो बस हो गया, बाकी प्रतिबिंब क्या है एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, मक्खी रानी तुम हम पटक के मारेंगे सर, हट जाओ, बहुत हो गया उतनी देर से। क्या लिखोगे कि प्रकाश की किसी भी घटना के बाद कम से कम दो प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उत्पन्न चमक को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलो इसको रफ कर देते हैं। दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब भी, और आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यहां पे हमने क्या कहा कि एक मछली है, जल की रानी है, मछली जीवन इसका पानी है, बिंदु एफ पर उपस्थित है, जिसकी गहराई वास्तविक गहराई कितनी है, अच्छे एक प्रकाश किरण हम ले गए, दूसरी प्रकाश किरण मान लो हम लंबवत ऐसे लेके चले जाते हैं, दूसरी प्रकाश किरण हम लंबवत ऐसे लेके चले। और आपको कल हमने बताया था कि जब किसी माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर कोई किरण लंबवत आपतित होती तो उसका अपवर्तन नहीं होता, वो जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी, ये चली गई, जाओ 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 जाओ। ठीक, हमने देखा कि इस किरण को, अपवर्तित किरण को, इस अपवर्तित किरण को बढ़ाए तो भैया एक चली जाएगी पाकिस्तान, एक चली जाएगी अफगानिस्तान, दोनों का काटना इस जन्म में संभव नहीं है। हमने कहा ऐसा, अच्छी बात है, तो एक काम करते इसको पीछे बढ़ा लेते। इसको मैंने पीछे बढ़ाया, ऐसे पकान पकड़ के पीछे बढ़ाया तो पता चला यहां पर दोनों किरणें काट रही हैं। ठीक है, तो हमें ये जो मछली यहां पर है ना, बाहर की दुनिया से देखेंगे तो ये मछली हमें यहां दिखेगी। ठीक है, ये मछली हमें यहां दिखेगी, मतलब जो हमें आभास होगा मछली की गहराई का वो ये होगा। मान लो इसकी आभासी गहराई, आभासी गहराई है एच डैश, यहां पे समझो एच क्या है, मछली की वास्तविक गहराई। एच क्या है बच्चे, मछली की वास्तविक गहराई। एच डैश क्या है, मछली की आभासी गहराई। एच डैश क्या है, मछली की आभासी गहराई। ठीक है, मछली हमें कितना ऊपर दिखाई दी, इतना ऊपर, ये एक्स जो दूरी है, जितना ऊपर हमें मछली प्रतीत होती है, दिखाई देती है, इसको कहते हैं इसका ऊर्ध्व विस्थापन। इसको हम क्या कहते हैं, इस मछली का ऊर्ध्व विस्थापन। बात समझ में आई, इतना चित्र बनाएंगे, चित्र की विचित्र विचित्र बातें लिखेंगे। तो क्या लिखना है, मैं यहां पे बोल लेता हूं, यहां पे लिख लेना, माना यन अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में, या एन अपवर्तनांक वाले द्रव में, ठीक है, बिंदु एफ पर एच गहराई पर कोई मछली है,
बिंदु एफ पर एच गहराई पर कोई मछली है, ठीक है। माना किसी चिड़िया को या किसी व्यक्ति को, कुछ भी ऐसा लगेगा, तुम ही मान लो देख रहे हो, माना किसी व्यक्ति को या मछली एच डैश गहराई पर बिंदु आई पर प्रतीत होती है, एच डैश गहराई पर बिंदु आई पर प्रतीत होती है। हमें क्या निकालना है इसकी, एच डैश का मान निकालना क्या होगा, इसका ऊर्ध्व विस्थापन एक्स पता करना है कितना होगा, ठीक है। चलो यहां पर देखो बच्चा होता क्या है, चूंकि ये जो आई और आर कोण बने हैं ना, आई व आर, ये अत्यंत छोटे कोण होते हैं, अत्यंत छोटे हैं, और जब ये कोण बहुत छोटे हैं तो साइन आई को हम लगभग में बराबर मान सकते हैं टैन आई के। जब थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा टैन थीटा के बराबर होता है, टैन थीटा सॉरी हाँ क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे साइन जीरो की वैल्यू बताओ क्या होती, जीरो, और टैन जीरो की वैल्यू भी बताओ क्या होती, जीरो। लेकिन ये दोनों कब बराबर हुए, जब थीटा बहुत छोटा हो जाए। यहां पर आई व आर बहुत छोटे एंगल है इसलिए साइन आई बराबर होगा लगभग टैन आई के, व साइन आर को हम बराबर मान सकते हैं बताओ किसके, टैन आर के, ठीक है। अब थोड़ा गौर समझना, अगर ये वाला कोण स्मॉल आई है तो मेरे भाई ये वाला कोण भी स्मॉल आई होगा, बोलो हाँ सर, हाँ सर बोलो हाँ सर, ठीक है। इस बिंदु को O मान लेते हैं, इस बिंदु को P मान लेते हैं। अगर ये वाला कोण स्मॉल आर है तो बताओ इस किरण को हमने पीछे जब बढ़ाया, क्या किया, पीछे जब बढ़ाया तो हमें यहां पर पता चला कि ये वाला कोण भी स्मॉल आर होगा। अब देखो अगर हम त्रिभुज ओ पी एफ ले लें, त्रिभुज बताओ कौन सा, ओ पी एफ में हम लगा दें टेन आई का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, इस कोण के लंब होगा ओपी, आधार होगा ओएफ, क्या आ जाएगा ओपी बटा ओएफ, ओपी को ओपी बन लिखा रहने दो, ओएफ का मान आपको पता है एच, कितना पता है एच। अब अगर दूसरा त्रिभुज हम ले लें ओपीआई, कौन सा त्रिभुज ले लें, ओपीआई त्रिभुज ओ पी आई में अगर मैं टेन आर का फॉर्मूला लगा दूं लंब बटे आधार से, तो बताओ इस कोण के लिए लंब क्या है ओपी और आधार क्या है एच डैश, ओपी बटा ओ आई ना, तो क्या हो जाएगा ओपी बटा एच डैश, ठीक है। इतनी बातें बताओ मेरी समझ में आ गई सबको, इतनी बातें समझ में आई सबको, ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर है भाई सबको इतना, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलो। अब आप अगर स्नेल का नियम लगा दो, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहता है वन एन टू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहां पे साइन आई लगभग टेन आई के बराबर है और साइन आर लगभग टेन आर के बराबर है, तो हम साइन आई को टेन आई भी लिख सकते हैं और साइन आर को टेन आर भी लिख सकते हैं। तो वन एन टू इक्वल टू, देखो टेन आई का मान कितना आया ओपी अपॉन एच और टेन आर का ओपी अपॉन एच डैश, यह है बेटा ओपी अपॉन एच और एक है ओपी अपॉन में एच डैश, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वन एन टू इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा एच डैश अपॉन में एच, वन एन टू बराबर क्या आ गया एच डैश अपॉन में एच, ठीक है। अच्छा वन एन टू अपॉन में वन लिखा ना, इसे वन अपॉन वन एन टू लिख दें तो बराबर बताओ एच डैश, गड़बड़ हो गया कुछ, कुछ गड़बड़ हो गया रे, वन एन टू बराबर एच डैश अपॉन एच, ठीक है चलो। अच्छा यहां पे वन कौन सा मीडियम है, वन है बेटा वाटर का मीडियम और टू में बताओ क्या है एयर का मीडियम, वन है वाटर का मीडियम ठीक है और टू है बताओ एयर का मीडियम, डब्ल्यू एन एक्वस टू आपको मिल रहा है एच डैश अपॉन में एच, क्या मिल रहा है डब्ल्यू एन ए बराबर एच डैश अपॉन में एच,
ठीक है। अच्छा डब्ल्यू एन ए को हम वन अपॉन ए एन डब्ल्यू लिख सकते हैं, बराबर एच ओ डैश अपॉन में एच, वन अपॉन ए एन डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, एच ओ डैश अपॉन में एच, ठीक है। और ए एन डब्ल्यू को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बेटा पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर एच डैश अपॉन में एच। तो एच डैश की वैल्यू बताओ क्या आ गई, एच बाई एन। यही होती है विरल से सघन में देखने पर आभासी गहराई। इसको बताओ क्या कहोगे, इसको तुम कहोगे विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखने पर किसी भी वस्तु की आभासी गहराई, एच डैश बराबर एच बाई एन। एच क्या है, वास्तविक गहराई, और एन क्या है, एन है बेटा माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, आई बात समझ में, ठीक। अगली एक हेडिंग लगाओगे मछली का ऊर्ध्व विस्थापन, मछली अगर रही हो तो मछली का ऊर्ध्व विस्थापन कितना ऊपर उठाई देती, ऊपर उठी दिखाई देती है। ठीक है, ऊर्ध्व विस्थापन क्या है, ये जो है ये दूरी, मतलब आप ऐसे कह सकते हो चिड़िया को मछली जितना ऊपर उठाई हुई, ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, उठाई हुई नहीं, ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, उस ऊंचाई को मछली का हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्व विस्थापन कहेंगे। क्या लिखेंगे, चिड़िया को मछली जितना उठा हुई प्रतीत होती है उसे ही मछली का ऊर्ध्व विस्थापन कहते हैं। मैं लिख दूं, लिख देना चिड़िया को, चिड़िया को मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। चिड़िया को मछली जितना ऊपर उठा प्रतीत होती है उसे मछली का ऊर्ध्व विस्थापन कहते हैं, ऊर्ध्व विस्थापन कहते हैं। एक्स होगा बराबर एच माइनस एच डैश, एक्स इज इक्वल टू एच माइनस एच डैश। थोड़ा सा और अगर इसको आप सॉल्व करें तो एच डैश किसके बराबर है, एच बाई एन के। तो एक्स बराबर हो जाएगा बताओ एच माइनस एच बाई एन, चाहो तो एच कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, वन माइनस वन बाई एन, वन माइनस वन बाई एन, ये हो जाएगा ऊर्ध्व विस्थापन। क्लियर हुआ। और इस पर एक सवाल करते हैं, इस पर प्यारा सा सुंदर सा एक सवाल करते हैं, ठीक है। चल हो गया भाई सबका, क्लियर है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। और इस पर एक दो सवाल करते हैं, सुंदर सुंदर चीजें समझ में आएंगी। देखो चार बटे तीन अपवर्तनांक वाले जल में क्वेश्चन ये कहता है, चार बटा तीन अपवर्तनांक वाले द्रव में, अपवर्तनांक वाले जल में, अपवर्तनांक वाले जल में, क्वेश्चन में ये कहा गया 20 मीटर गहराई में स्थित कोई मछली, जल में 20 मीटर गहराई में स्थित कोई मछली, ठीक है, कोई मछली है, ठीक है, कह रहा है किसी चिड़िया को कितनी गहराई में प्रतीत होगी, किसी चिड़िया को कितनी गहराई में प्रतीत होगी, किसी चिड़िया को कितनी गहराई में प्रतीत होगी, में प्रतीत होगी। और एक क्वेश्चन इसमें आपसे मैंने पूछ लिया, उसका ऊर्ध्व विस्थापन क्या होगा, उसका ऊर्ध्व विस्थापन विस्थापन क्या होगा, क्या होगा, ये आपका सवाल। एक बार पढ़ लो भैया प्यार से पूरा क्वेश्चन, प्यार से पढ़ना। चार बटे तीन अपवर्तनांक का जल है, बहुत बढ़िया, एन बराबर चार बटे तीन, 20 मीटर गहराई पर मछली है, वास्तविक गहराई h दिया गया है, बताओ 20 मीटर,
कह रहा है कितनी गहराई में प्रतीत होगी एच डैस आपसे पूछा गया है। एच डैस इक्वल टू होता है एच बाई एल, क्या होता है एच डैस बराबर एच बाई एल। तो एच डैस बराबर एच की वैल्यू है 20 और बटे एन की वैल्यू है 4/3, 4 × 5 = 20 कट गया और 5 × 3 = 15 मीटर इसकी गहराई आ गई। 5 × 3 बताओ कितना आ गया 15 मीटर। और एक चीज आपसे यहां पर पूछा गया उसका ऊर्ध विस्थापन क्या होगा। ये तो बेटा निकल आई आभासी गहराई, मछली होगी 20 पर दिखेगी कहां पर 15 पर, ये आभासी गहराई होगी। इसके बाद आपको बताना है मछली का ऊर्ध विस्थापन, क्या बताना मछली का ऊर्ध विस्थापन एक्स इज इक्वल टू जो कि बराबर होता है एच माइनस एच डैश के। तो एच कितना था 20 में से कितना है एक्स डैश 15, 20 से 15 घटाओगे प्रभु कितना बचेगा, 20 से 15 आपने घटा दिया कितना आ गया 5 मीटर, कितना आ गया बताओ 5 मीटर। समझ में आई कहानी पूरी, 5 मीटर आपको उठी हुई प्रतीत होगी। ठीक है सवाल लगा लो फिर आगे बढ़े, लगाओ सब लोग। समझ में आई आवाज इतनी प्यारी आ रही मेरी आज तो, ठीक है चलो क्लियर है कहानी इतनी। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी हम लोग सघन विरल से सघन में देखे, अभी सघन से विरल में भी दिखाएंगे तुम्हें। एक क्वेश्चन लिख लो 4/3 अपवर्तनांक वाले ध्रुव में, 4/3 अपवर्तनांक वाले ध्रुव में, अपवर्तनांक वाले ध्रुव में कहा क्या गया है, झील में 1 मीटर गहराई में, 1 मीटर गहराई में पड़ा मोती कितना उठा प्रतीत होगा। ध्रुव में 1 मीटर गहराई में पड़ा मोती, 1 मीटर गहराई में पड़ा मोती कितना ऊपर प्रतीत होगा, कितना ऊपर उठा प्रतीत होगा, प्रतीत होगा ये आपसे पूछा गया। ठीक है चलो, हाँ भैया 4/3 अपवर्तनांक का ध्रुव है तो अपवर्तनांक n बराबर दिया है 4/3, 1 मीटर गहराई में मोती पड़ा है h बराबर 1 मीटर, कितना ऊपर उठा प्रतीत होगा ये पूछा गया है। आपसे पूछा गया है मछली का ऊर्ध विस्थापन है, सॉरी मोती का ऊर्ध विस्थापन। ऊर्ध विस्थापन का एक फॉर्मूला हमने बताया x बराबर h 1 - 1/n, बताया ना x फाइंड करना है, h बताओ कितना है 1 मीटर और 1 - 1/n कितना है 4/3, 4/3 से ऊपर चला जाएगा 1 × 1 - 3/4 तो 1 × 1/4 आएगा, कितना आ गया बताओ 1/4 मीटर, 1/4 मीटर आया है ना, इसका मतलब हुआ कि 25 सेंटीमीटर ऊपर उठा प्रतीत होगा, कितने सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर ऊपर उठा प्रतीत होगा। समझ में आई कहानी, नोट करें सभी लोग आग जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है हाँ भैया आगे बढ़ा जाए। ये तो भाई बात हुई जब हमारे पास, जब हमारे पास एक माध्यम होगा और हम उस सघन माध्यम से विरल माध्यम की दुनिया, सॉरी विरल माध्यम से सघन माध्यम की दुनिया को देखेंगे। अगर कई माध्यम हो तो क्या किया जाए सर, कई माध्यम हो तो क्या किया जाए, इसलिए अगली हेडिंग हम लोग जो लगाएंगे उस हेडिंग में लिखोगे कई माध्यमों के होने पर वस्तु की आभासी गहराई, कई माध्यमों के होने पर, कई माध्यमों के होने पर किसी वस्तु की आभासी गहराई, किसी वस्तु की आभासी गहराई, आभासी गहराई कई माध्यमों के होने पर किसी वस्तु की आभासी गहराई। ठीक है चलो आराम से चीजों को समझना। मान लो हमारे पास 3 माध्यम है, ठीक है ये ऐसे 3 माध्यम, एक का अपवर्तनांक है n1
दूसरे का पूर्णांक है एन टू और तीसरे का पूर्णांक है एन थ्री। इसकी जो चौड़ाई है मान लो टी वन है, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है मान लो टी टू है, इसकी जो चौड़ाई है मान लो टी थ्री है। अब इसके बाद मान लो बेटा तुम्हारे पास कोई वस्तु यहां पर रखी है, कोई वस्तु यहां पर रखी है एच गहराई पर, जिसकी वास्तविक गहराई कितनी है एच है, लेकिन मान लो ये वस्तु हमें यहां पर कहीं दिखाई देती है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज बन रही है, इमेज की जो आभासी गहराई है मान लेते एच डैश, हमें इसी एच डैश की गणना करनी है। बात समझ में आई कि माना तीन माध्यम है जिनकी मोटाई हमने क्या माना टी वन टी टू व टी थ्री है, ठीक है, तथा पूर्णांक एन वन एन टू एन थ्री है, संपर्क में रखे हैं, बिंदु ओ पर कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब हमें आई पर एच डैश गहराई पर दिखाई देता है। आप समझो, अभी आपने पढ़ा कि जब एक माध्यम है, उसी से रिलेट कर देते हैं, जब एक माध्यम हो तो एच डैश किसके बराबर आया बताओ, एच बाई एन के, एच डैश किसके बराबर आया बताओ, एच बाई एन के बराबर आया, ठीक है। अब अगर मान लो तीन माध्यम है, अगर मान लो आपके सामने तीन माध्यम है, जब तीन माध्यम है तो अगर भैया तीन माध्यम है तो एच डैश जो होगा वो हो जाएगा एच वन बाई एन वन प्लस एच टू बाई एन टू और प्लस एच थ्री बाई एन थ्री, सबको जोड़ दो, इसमें आभासी गहराई हो जाएगी एच वन बाई एन वन, इसमें एच टू बाई एन टू, इसमें एच थ्री बाई एन थ्री, ऐसे हो जाएगी। अब बताओ यहां पे समझना है, पहले माध्यम की चौड़ाई टी वन है अपॉन एन वन, दूसरे की चौड़ाई टी टू है अपॉन एन टू, तीसरे की चौड़ाई टी थ्री है अपॉन में एन थ्री, तो आभासी गहराई का इस समय सूत्र ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी वन अपॉन एन वन टी टू अपॉन एन टू प्लस टी थ्री अपॉन एन थ्री। क्लियर हुआ? चलो, अगर यहां पर हम इन तीनों माध्यमों का तुल्य अपवर्तनांक निकालें तो क्या होगा, तुल्य अपवर्तनांक, इतना डिटेल में बेटा कहीं पढ़ के आए हो तो बता देना, ऑफलाइन में पढ़ते हो या ऑनलाइन में पढ़ते हो, इतनी डिटेल में चीजें कोई अगर बताता हो तो मुझे बता। आपने एच डैश इक्वल टू एच बाई एन पढ़ा है तो एन बराबर बताओ एच बाई क्या हो जाएगा एच डैश, तो ये एक माध्यम के लिए हो, अगर तीन माध्यमों का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या हो जाएगा एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री और नीचे हो जाएगा एच वन बाई एन वन प्लस एच टू बाई एन टू प्लस एच थ्री बाई एन थ्री, बहुत सिंपल है। तो तुल्य अपवर्तनांक एन बराबर हो गया पहले की चौड़ाई टी वन, दूसरे की टी टू, तीसरे की टी थ्री अपॉन बोलो टी वन बाई एन वन प्लस बोलो टी टू बाई एन टू प्लस बोलो भैया टी थ्री बाई एन थ्री। ये तुल्य अपवर्तनांक ऐसे निकाल सकते हैं जब तीन माध्यमों का इकट्ठा निकाल रहा हूं, ठीक। तो अभी तक हम लोग कहां देख रहे थे, विरल माध्यम की दुनिया से सघन माध्यम की दुनिया, बाहर खड़े रहे थे और मछली ताक रहे थे, कहां पर, पानी में। अब उल्टा चलो तुम्हें ले चलते हैं, अब हम तुम्हें ले चलेंगे पानी से मछली दिखाएंगे, नहीं बात समझे, चलो नोट करो भाई इतना, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया ये सबका, हो गया, ठीक है। अगली हेडिंग लगाओगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखने पर किसी वस्तु की आभासी ऊंचाई, सघन माध्यम से विरल माध्यम देखने पर किसी वस्तु की बताओ क्या आभासी ऊंचाई के बारे में। सघन से क्या देखेंगे, विरल को देखेंगे, क्या निकालेंगे, आभासी ऊंचाई, नहीं बात समझे। अभी तक आप विरल से क्या देखे थे, सघन को देखे थे, अब आप क्या देखोगे, सघन से विरल को देखो, बात को समझो। मैं इसे बेटा मान लो ये पानी भरा है और एक दिन आप अपने घर वालों से गुस्सा होकर के जाके पानी में डूब के बैठ गए,
क्या किए कि आप पानी में डूब के बैठ गए, यहां बैठ गए, ठीक है, पानी में डूब के बैठ गए। अब आपके सामने मान लो कोई वस्तु है, कोई चिड़िया है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर एक चिड़िया है जिसकी वास्तविक ऊंचाई है h, तल से वास्तविक ऊंचाई बताओ कितनी h है। अब अगर आप चाहते हो कि पानी की दुनिया से तुम ये चिड़िया को देख लो, तो चिड़िया कब दिखेगी? जब चिड़िया से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तित होकर के आपके नेत्र लेंस तक पहुंचेगी। अब ये प्रकाश किरण यहां से चली, अब बच्चा बताओ ये प्रकाश किरण कहां जा रही है? ये जा रही है हवा के माध्यम से पानी के सघन माध्यम में, हवा के विरल से पानी के सघन में। जब कोई प्रकाश किरण, बात को समझ रहे, जब कोई प्रकाश की किरण सघन विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है? ये देखो, ये इसका सही रास्ता था, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। अब बताओ ये वाला जो कोण बना ये आपतन कोण आई हो गया, ये वाला जो कोण बना अपवर्तन कोण आर हो गया, ठीक है। और एक किरण भैया हम ले आए दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर लंबवत, और आपने कल अपवर्तन ना होने की शर्त में पढ़ा था, लंबवत आई हो तो लंबवत चली जाओगी, कुछ नहीं कर पाएंगे, देखते रह जाएंगे, ऐसा कुछ सीन था ना। अब देखो अपवर्तन के पश्चात हमें दो किरणें मिली, एक तो यहां से मिली ये जा रही है, एक यहां से मिली ये जा रही है। हमने सोचा दोनों का ब्रेक वो में क्या कहते हैं पैचअप करा दें, लेकिन हमने देखा अपवर्तन के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया, उधर जा रही इधर जा रही, कब के बिछड़े हुए सनम हम आज कहीं मिल ना पाएंगे, ये इधर जा रही है ये इधर जा रही, मिलना संभव है, मिलना संभव तो एक काम करते फिर इसको पीछे बढ़ाओ, आ जाओ अपनी पिछली दुनिया में, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा मिलन होगा। ये देखो इसको भी पीछे ले गए, यहां पर हमने देखा दोनों काट रही, तो यहां पर जो भी वस्तु होगी बिंदुओं पर ये हमें दिखेगी कहां, इस बिंदु आई पर, मान लो इसकी जो आभासी ऊंचाई है वो है एच डैश। बात को आई बात समझ बेटा, इसका मतलब है कि अगर आप पानी से बाहर की दुनिया देखोगे ना तो वस्तु जहां पर होगी उससे थोड़ा ऊंचा दिखेगी, ऊपर दिखेगी, क्योंकि आभासी ऊंचाई ऊपर होती है, ठीक है। इसी आभासी ऊंचाई एच डैश की हमें क्या करनी है, गणना करनी है, आराम से समझना चीजों को, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कोण अगर भैया आई है तो ये वाला कोण भी आई होगा, बोलो हाँ सर सही बात है, ये वाला आर है तो ये वाला कोण भी आर होगा, ठीक है। इसका नाम पी दे देते, इसका नाम क्यू दे देते, ठीक। अब फिर वही यही बात है, क्योंकि यहां पर भी आई व आर जो एंगल बने हैं बहुत छोटे हैं, क्या है, बहुत छोटे कोण है, और बहुत छोटे कोण है तो बेटा जो साइन आई होगा लगभग बराबर होगा आई के, और जो साइन आर होगा वो लगभग बराबर होगा आर के, ठीक है। साइन आई नहीं गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ हो गया भाई, साइन आई लगभग बराबर होगा टेन आई के, व साइन आर जो आएगा वो लगभग बराबर होगा बताओ किसके, टेन आर के। अब चलो अगर हम ले ले त्रिभुज ओ पी क्यू, कौन सा त्रिभुज ले ले, ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू में अगर हम टेन आई का फॉर्मूला लगाए तो लंब बटे आधार, यानी पी क्यू बटा ओ पी, पी क्यू बटा ओ पी, ठीक है। पी क्यू को पी क्यू लिखा रहने दो, ओ पी कितना है एच के बराबर, ठीक है। अगर इसी तरह से हम त्रिभुज दूसरा ले लें आई पी क्यू, कौन त्रिभुज ले लें, आई पी क्यू, त्रिभुज आई पी क्यू में अगर हम टेन आर का फॉर्मूला लगाएं तो बताओ क्या हो जाएगा, पी क्यू बटा, पी क्यू बटा यहां से यहां तक आई पी, पी क्यू बटा आई पी, पी क्यू को पी क्यू लिखा रहे दो, आई पी बताओ कितना एच डैश है, इक्वेशन वन मानो और इसको इक्वेशन टू मानो, बताओ इतनी बात समझ में आई। अब बुलाते स्नेल को, यहां पे बात करेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल चाचा ने बताया था
कि वन एन टू बराबर है बताओ किसके, साइन आई बटा साइन आर के। बात समझ में आई। और यहां पर हमने आपसे पहले ही कह दिया कि भैया आई और आर छोटे कोण हैं, साइन आई बराबर होगा टेन आई के और साइन आर बराबर होगा टेन आर के। चलो तो जहां पे साइन आई है वहां हम इसको टेन आई भी कह सकते हैं, जो साइन आर है इसको हम टेन आर भी कह सकते हैं। बात समझ में आई ठीक है। साइन आई को टेन आई कह सकते हैं, साइन आर को टेन आर कह सकते हैं। समीकरण नंबर एक व दो से मान रख देते हैं, समीकरण नंबर एक व दो से वन एन टू इक्वल टू, इधर देखो टेन आई है पी क्यू बाई एच, पी क्यू बाई एच और टेन आर है पी क्यू बाई एच डैश, यह है पी क्यू बाई एच डैश, ये दोनों बर्बाद हो गए। वन एन टू बराबर यहां पर क्या आ गया, एच डैश अपॉन में एच। अच्छा यहां पे पहला माध्यम कौन है, एक बात हमने आपको हमेशा समझाई कि जिससे प्रकाश किरण जाती है वो पहला और जिसमें जाती है वो दूसरा। हवा का मीडियम यहां पे पहला माध्यम होगा और पानी का माध्यम जो है वो दूसरा माध्यम होगा। तो बात को समझो, पहला माध्यम है हवा का और दूसरा माध्यम वाटर का, ए एन डब्ल्यू बराबर एच डैश अपॉन में एच। ए एन डब्ल्यू बराबर बताओ क्या मिल गया, एच डैश अपॉन एच। और ए एन डब्ल्यू को हम कहते हैं पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक, एच डैश अपॉन एच। तो इस समय जो आभासी गहराई आई, आभासी गहराई आई एच डैश बराबर आ गया एन इंटू एच, कितना आ गया बताओ एन इंटू एच, कितना आ गया भैया एन इंटू एच। क्लियर है बात सबको, आ गई समझ में, कोई डाउट किसी को? अब चाहे तुम पानी की दुनिया से बाहर की दुनिया देखो, चाहे बाहर की दुनिया से पानी की दुनिया देखो, आई बात समझ में। अगली एक चीज हमें और यहां पे समझना है, ऊर्ध विस्थापन चिड़िया का। भैया यहां पे ऊपर चिड़िया है, ऊपर चिड़िया है ना, तो हेडिंग लगा लेना चिड़िया का ऊर्ध विस्थापन, चिड़िया का ऊर्ध विस्थापन, ऊर्ध विस्थापन, ऊर्ध विस्थापन चिड़िया का मतलब जानते हो क्या हुआ, कि पानी में बैठे व्यक्ति को यहां से जितना ऊपर उठी हुई चिड़िया प्रतीत होगी उसे चिड़िया का ऊर्ध विस्थापन कहेंगे और वो होगा इत्ता, 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 ये वाला ठीक। तो आप ऐसे कह सकते हो, ऐसे इसको लिख सकते हो कि सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम देखने पर, सघन माध्यम से बताओ क्या, विरल माध्यम देखने पर, देखने पर कोई वस्तु, कोई वस्तु जितना ऊपर उठा प्रतीत होती है, जितना ऊपर उठा प्रतीत होती है, होती है उसे, उसे वस्तु का ऊर्ध विस्थापन कहते हैं, वस्तु का ऊर्ध विस्थापन, विस्थापन कहते हैं। और इसका मान क्या है, x किसके बराबर होगा, h डैश से h घटा दो, इसका मान हो जाएगा x बराबर h डैश से h घटा देते, h डैश किसके बराबर है, n इंटू h के बराबर, ये बराबर एन इंटू एच के बराबर माइनस एच, तो एक्स बराबर एच कॉमन ले लेते हैं, बचे कितना एन माइनस वन, ये हो जाएगा। बताओ चीजें समझ में आ गई होंगी आपको आराम से? तो बेटा आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, आज हमने दो चीजें समझी, एक विरल माध्यम से सघन माध्यम देखने पर किसी वस्तु की आभासी गहराई क्या होगा, ऊर्ध विस्थापन क्या होगा, दूसरा हमने देखना सघन से विरल देखने पर आभासी गहराई क्या होगी, ऊर्ध विस्थापन क्या होगा। अगली जो एक क्लास और आएगी, अपवर्तन के दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे टॉपिक बचे हैं, एक है क्रांतिक कोण और फिर उसके बाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फिर उसके उपयोगों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते रहे, अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको समय समय पर हमारे चैनल के द्वारा घंटी बजती रहे और आपकी पढ़ाई लगातार होती रहे। या क्लास रोज रात 8 बजे आपके प्यारे से चैनल जय महादेव विद्याकुल पे पूरी तरह से फ्री है, यूट्यूब पर आप अपने से नोट्स बनाएं और पढ़ाई करें। ठीक है,
फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलना। आज की क्लास यहीं तक। ना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।